वेलकम टू द न्यू ब्लॉग। अगर आप मार्केट में एक गाड़ी देख रहे हैं जो आपको सेफ्टी के साथ साथ फीचर भी प्रोवाइड करे, तो हम आपके लिए लाए हैं एक ऐसा ऑप्शन जो आपको ज़रूर कंसिडर करना चाहिए, जो आपको प्रोवाइड करता है अटमोस्ट सेफ्टी रिलेटेड टू इट्स कॉम्पिटिशन। बात करें हमारे माइंडसेट की, तो इंडिया इज़ ए कंट्री वेयर पीपल थिंक ऑफ बजट बिफोर बाइंग अ न्यू कार। अगर आप कभी भी मार्केट में एक गाड़ी लेने जाते हैं तो फर्स्ट थिंग जो आपके माइंड में आती है वो है इसका बजट। सेकेंड थिंग जो आप कंसिडर करते हैं वो है इसका माइलेज। ये दो चीज़ें ही कंसिडर करके लोग गाड़ी लेते हैं। स्टार्ट करते हैं हम इसके एक्सटीरियर से। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसका फ्रंट लुक काफ़ी एग्रेसिव, काफ़ी बोल्ड और काफ़ी स्पोर्टी बनाया गया। ये सेकेंड जनरेशन है टियागो का, 2022 मॉडल है, और इसकी फर्स्ट जनरेशन थोड़ी राउंडिश होती थी, बट इसका जो अभी नया वेरियंट है ये काफ़ी कर्वी कर दिया है इन्होंने, तो जो ये यूथ को भी अपील करता है और एक नॉर्मल पर्सन को भी अपील करेगा। जैसा आप देख सकते हैं इसके फ्रंट बम्पर के लुक में इन्होंने पियानो ब्लैक फिनिश का और क्रोम का बहुत ही एलिगेंट यूज़ करा है। टॉप में इसके पियानो ब्लैक फिनिश है और नीचे आप क्रोम इंसर्ट्स देख सकते हैं, ये नए वेरिएंट में नया अपग्रेड है। सेंटर में इसका टाटा का लोगो है और नीचे एक क्रोम लाइनिंग दी गई है, और उसके नीचे अगर आप देखेंगे एयर वेंट्स, साथ ही साथ DRL जो कि नया फीचर है, और उसके साथ साथ फॉग लैंप दिए गए हैं। बात करें इसकी हेडलाइट की, तो ये एक मिक्स यूनिट है जिसमें कि आपका लो बीम प्रोजेक्टर में है और हाई बीम जो है वो एक हैलोजन यूनिट, दोनों बल्ब्स येलो कलर में है। उसके नीचे आप देखेंगे जो DRL है वो वाइट LED में है, और साथ ही साथ जो फॉग लैंप्स हैं वो भी हैलोजन यूनिट। बात करें इसके साइड लुक की, तो साइड लुक में भी आप क्रोम इंसर्ट्स का काम देख सकते हैं जो बहुत ही एलिगेंटली डोर हैंडल्स में इंटीग्रेट किए गए हैं। साथ ही साथ इसके जो ORVMs हैं वो पियानो ब्लैक फिनिश में है। ये टॉप मॉडल है इसलिए इसमें आपको पियानो ब्लैक मिलता है, लोअर वेरिएंट्स में आपको बॉडी कलर मिलता है। बात करें हम टायर साइज की, एज इट इज़ अ टॉप मॉडल तो इसमें आपको एक साइज बड़ा मिलता है, 15 इंचेस के ब्रिजस्टोन के 175/60 R15 के टायर्स मिलते हैं। इससे नीचे वाले वेरिएंट में आपको 14 इंच के नॉर्मल अलॉयज मिलते हैं। कमिंग टू द रियर, आपको कुछ ऐसे एलिमेंट्स इसमें दिखेंगे जो इसे काफ़ी यूनिक बनाते हैं, जैसे कि इसमें जो डिफॉगर का यूज़ किया गया है वो राउंडिश शेप में है। नॉर्मली हमने देखा होगा कि पैरेलल लाइंस होती हैं, बट इसका जो डिफॉगर का शेप है वो काफ़ी यूनिक सा है। बैक प्रोफाइल की बात करें तो इसमें जो टेल लैंप्स आते हैं वो हैलोजन यूनिट्स हैं, और आपको मिलता है वाइपर, वॉशर, डिफॉगर, और ऊपर आपको छोटे छोटे यहाँ पर आप जैसे कि देख सकते हैं ये आपको मिलती हैं स्पॉयलर्स। रियर का जो लुक है काफ़ी मिनिमलिस्टिक है, इसमें सेंटर में आपको मिलता है टाटा का लोगो, उसके नीचे आपको मिलती है टियागो की बैजिंग, और उसके नीचे है रिवर्स कैमरा, और साथ ही साथ ये नया एडिशन 2022 मॉडल में हुआ है वो हुआ है एक क्रोम लाइन। बात करें इसके बूट स्पेस की, तो वो आपको मिलता है 246 लीटर का, जो कि डे टू डे लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा है। साथ ही साथ टाटा आपको इसमें प्रोवाइड करता है एक टायर मोबिलिटी किट, जो कि कभी इनकेस अगर आप की गाड़ी ब्रेक डाउन या कहीं पंचर हो जाती है तो छोटा मोटा रिपेयर करने के लिए आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है। साथ ही साथ आपको मिलता है वार्निंग साइन, जब आपकी गाड़ी ब्रेक डाउन हो जाए तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं इमरजेंसी में। स्पेयर टायर की बात करें तो वो आपको दो साइज का मिलता है, और नॉर्मल मेल मिलता है, ना कि एलॉय, आपको मिलता है 13 इंच का। साथ ही साथ ये टॉप मॉडल है तो आपको इसमें पार्शियल ट्रे लगी लगाई मिलती है। यूटिलिटी स्पेसेस भी काफ़ी अच्छे से प्रोवाइड करे हैं टाटा ने इसमें। जैसा आप देख सकते हैं इसके दोनों साइड पे आपको मल्टीपल कैरी बैग होल्डर्स मिलते हैं जिनकी कैपेसिटी 3 kg है। अब बात करते हैं गाड़ी के इनग्रेस और एग्रेस की। जैसा आप देख सकते हैं डोर ओपनिंग काफ़ी वाइड है, आपको चढ़ने उतरने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आप देख सकते हैं मेरा बॉडी पॉस्चर, मैं काफ़ी कंफर्टेबल पोजिशन में बैठा हूँ, स्टीयरिंग व्हील भी आपकी रीच में है, सीटिंग हाइट भी काफ़ी कंफर्टेबल है, इसे मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट किया है। मैं आपको बैक सीट स्पेस दिखाता हूँ, इसकी ओपनिंग भी काफ़ी अच्छी है, तो अगर आपके फैमिली में थोड़ा एजेड लोग हैं तो उनको बैठने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जैसा आप देख सकते हैं मेरी हाइट 5758 है, और आगे वाली सीट मैंने अपने हिसाब से एडजस्ट करी है, और पीछे आप देख सकते हैं मुझे काफ़ी लेग रूम मिल रहा है और हेडरूम की भी कोई कमी नहीं है। साथ ही साथ सीट की जो विड्थ है वो ओके है, इसमें 3 मेरे साइज़ के लोग आराम से बैठ के लॉन्ग ट्रैवल कर सकते हैं। ज़्यादा हेल्दी लोगों को थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, बट 3 लोग इसमें आराम से ट्रैवल कर सकते हैं। बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो ये काफ़ी प्रीमियम लगता है, क्वालिटी ऑफ मटेरियल जो इस्तेमाल की गई है वो काफ़ी अच्छी है, स्टीयरिंग व्हील काफ़ी कम्फर्टेबल है, डोर के कंट्रोल्स आपकी रीच में हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं पावर विंडोज़ के कंट्रोल्स दिए गए हैं, यहाँ पर आपको लॉक
पावर विंडो लॉक के बटन दिए गए हैं, लॉक अनलॉक बटन यहाँ पर है, और साथ ही साथ ORVM के कंट्रोल्स यहाँ पर दिए गए हैं, लेफ्ट राइट और ऑटो फोल्डिंग भी है इसमें। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो ये आपको डिजिटल मिलता है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल लगता है। सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्प्ले होती है, बीच में MID दी गई है। आप इसका म्यूज़िक सिस्टम चेक कर सकते हैं, ये 7 इंच की टच स्क्रीन के साथ आपको हारमन गार्डन का म्यूज़िक सिस्टम मिलता है जिसकी साउंड क्वालिटी काफ़ी ऑसम है। इस प्राइस रेंज में जितनी गाड़ियां आती हैं या बोल सकते हैं एक या दो सेगमेंट ऊपर की गाड़ियों में भी इतना अच्छा स्पीकर सिस्टम नहीं दिया गया है। इस स्पीकर सिस्टम में 4 स्पीकर और 4 ट्विटर दिए गए हैं जो कि बहुत ही नीटली इंटीग्रेट किए गए हैं गाड़ी के साथ। साथ ही साथ यहाँ पर सेंटर में आपको इसके टच स्क्रीन के नीचे आपको मिलेंगे फॉग लैम्प के बटन और ये है आपको सेंटर लॉकिंग का बटन। ऊपर AC वेंट्स, नीचे ऑटोमेटिक AC के कंट्रोल्स, यहाँ पर 5-स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स और यहाँ पर आपको मिलता है हैंडरेस्ट, यहाँ पे थोड़ा सा कप्स रखने की जगह और यहाँ पर एक बॉटल होल्डर। बात करें इसके डोर्स की तो इसके डोर पे भी आपको बॉटल पॉकेट्स मिल जाएंगे बट उनका साइज़ काफ़ी कम है। यहाँ पर आप 0.5 लीटर की बॉटल रख सकते हैं और साथ ही साथ थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। बैक की जो डोर्स हैं उनमें आप 1 लीटर की बॉटल आराम से रख सकते हैं। एक और यूटिलिटी फीचर जो यहाँ पे दिया गया है टाटा की तरफ से वो है टिकट होल्डर जो कि और किसी गाड़ी में आपको नहीं मिलता है। बात करें स्टेयरिंग व्हील की तो ये आपको डी कट स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो कि हेल्दी लोगों के लिए और प्रेग्नेंट लेडीज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल है और दिखने में काफ़ी स्पोर्टी लगता है। इसमें पियानो ब्लैक का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल किया गया है। सेंटर में इसका टाटा का लोगो, यहाँ पर एयरबैग और यहाँ पर आपको इन्फोटेनमेंट कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एक और चीज़ जो टाटा की काफ़ी अच्छी है वो इसके हॉर्न प्लेसमेंट की। ये नॉर्मली आपको गाड़ियों में सेंटर में देखने को मिलता है बट इस गाड़ी में आपको सेंटर के साथ साथ यहाँ साइड से भी आप इसे प्रेस कर सकते हैं जो कि काफ़ी कन्वीनियंट है खासकर जब आप गाड़ी टर्न कर रहे हो। बात करें इसके ग्लव बॉक्स की तो इसकी ओपनिंग काफ़ी सॉफ्ट है और इसका जो ओपनिंग का बटन दिया गया है काफ़ी नीटली इंटीग्रेट किया गया है डैशबोर्ड में और जैसा आप देख सकते हैं स्पेस इसमें काफ़ी अच्छा है, आप अपना काफ़ी सामान रख सकते हैं और साथ ही साथ इसमें टैबलेट और मोबाइल रखने के लिए एक अलग से पार्शल ट्रे दी गई है। और नीचे जैसा आप चेक कर सकते हैं ये कूल ग्लव बॉक्स है, यहाँ पर आपको वेंट दिया गया है जिससे आप अपनी बेवरेजेस और पानी की बॉटल यहाँ पर रख के आप उसे एम्बियंट टेम्परेचर पर रख सकते हैं गाड़ी के अंदर। बात करें इसके रियर व्यू मिरर की तो ये मैनुअल दिया गया है, आप इसे डे नाइट यहाँ से सेट कर सकते हैं। और इसके जो सनशेड हैं यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर मिलता है और यहाँ पर आपको कुछ नई टिकट होल्डर मिलता है। और बात करें इसके सेंटर लाइट की तो ये आपको कैबिन लाइट जो मिलती है ये फुल LED में मिलती है जो कि काफ़ी अच्छी है, काफ़ी ज़्यादा ग्लो करती है रात के टाइम पर और ये बहुत ही अच्छा एडिशन है कि इन्होंने LED लाइट दी है इसमें। ये लाइट की प्लेसमेंट मुझे काफ़ी अच्छी लगी। फ्रंट में होने से होता क्या है कई बार कि वो एकदम आपके फेस पे आती है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम कर सकती है बट यहाँ पे प्लेसमेंट इसकी काफ़ी अच्छी है, आगे पीछे दोनों तरफ ही कवर करती है तो एक्स्ट्रा लाइट देने की कोई ज़रूरत नहीं लगी, यहाँ पे बहुत अच्छा सा इंटीग्रेशन है। स्टीयरिंग कंट्रोल्स की बात करें तो आपको लेफ्ट पे जो मिलते हैं वो मिलते हैं वाइपर कंट्रोल्स, उसमें भी आपको काफ़ी सारे मोड्स मिलते हैं, इसका तो एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, काफ़ी सारे फीचर्स हैं इसमें। और आपको जो राइट पे मिलता है वो मिलते हैं इसके लाइट्स के कंट्रोल। बात करें स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की तो इसमें आपको टिल्ट मिलता है बट आपको टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है जो कि ओके है, इस रेंज में किसी भी गाड़ी में टेलीस्कोपिक नहीं आता है तो आप इसे अपने हिसाब से एडजस्ट करते हैं, बहुत ही कन्वीनियंट फीचर। जो 2022 अपडेट है इसमें जो आप देख सकते हैं जो इन्होंने ड्यूअल टोन में जो इन्होंने लाइट कलर इस्तेमाल कराया है ये थोड़ा सा ऑफ वाइट में आ चुका है, इससे पहले जो कलर इस्तेमाल होता था वो डार्क ग्रे होता था तो कैबिन अब थोड़ा सा ज़्यादा स्पेशियस लगता है, खुला खुला लगता है। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख सकते हैं इसका लाइट सेटअप, अभी आप देखेंगे इसकी DRL और अब इसके ऊपर पे दिए गए हैं पैरेट लैम्प जो कि हैलोजन में है, साथ ही साथ इसके प्रोजेक्टर्स हैं वो लो बीम का काम करते हैं वो भी हैलोजन यूनिट है और जो इसकी हाई बीम है वो भी इसकी हैलोजन में है वो नॉर्मल यूनिट है। बात करें इसके पावर ट्रेन की, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका बोनट काफ़ी हैवी है तो इसके पावर ट्रेन में जैसा आप देख सकते हैं इसमें आता है 3-सिलेंडर इंजन जो कि 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन है और साथ ही साथ ये प्रोड्यूस करता है 86 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क। ये इंजन काफ़ी रिफाइंड है, थोड़ी बहुत वाइब्रेशन बोलते हैं बट इतना भी नहीं है कि डील ब्रेकर है, पर हाँ कंपैरिजन में अगर आप इसके कॉम्पिटिटर से बात करें मारुति की या फिर Hyundai की गाड़ियों से तो उससे तो ये 19-20 थोड़ा सा कम है। ये था मेरा इस गाड़ी के बारे में पर्सनल ओवरव्यू और जो भी मैंने पॉइंट्स आपको बताई ये मेरा पर्सनल ओपिनियन था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो कीप सपोर्टिंग एंड टेक केयर, बाय बाय।